हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक आईआईटी जेम 2017 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, तो हम लोग इसको आज सॉल्व करते हैं इसको। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को या मेरे चैनल में और भी जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, लेट पी बी द पॉइंट ऑफ द सरफेस जेड इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 420, देन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड पी इज, ये आपको डिस्टेंस लिखना है। जरा क्वेश्चन समझिए। सपोज कीजिए कोई सरफेस है और ये सरफेस का इक्वेशन है जेड इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सपोज कीजिए कोई भी सरफेस है और एक पॉइंट यहां पर दिया हुआ है, पॉइंट है 420 एक पॉइंट हो गया। अब कहते हैं क्वेश्चन कि इस सरफेस पर एक ऐसा पॉइंट लेना है जो इससे क्लोजेस्ट हो, सबसे नियर हो। अब यहां पर भी पॉइंट हो सकता है, तो इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस ये हो जाएगा, यहां से डिस्टेंस ये हो जाएगा, यहां से और भी सरफेस ये आगे भी हो सकता है, तो यहां से डिस्टेंस ये हो जाएगा। तो सबसे नजदीक कौन सा पॉइंट है? सपोज कीजिए ये पॉइंट पी जो है वो सबसे नजदीक है। इस पॉइंट को पी सपोज कर लेते हैं, पी एक्स वाई जेड, ये सबसे नियरेस्ट पॉइंट है इससे, ये गिवन पॉइंट से। तो P be the point of the surface this closest to the point this, P is the closest point to this point। अब हम लोग को करना क्या है, then the square of the distance between the origin and P। सपोज कीजिए ओरिजिन यहां पर है, तब ओरिजिन से P के डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना है, यानी हम लोग को निकालना क्या है, OP स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड P। तो चलिए ऐसा करते हैं, हम लोग सपोज कर लिए हैं कि P इज द क्लोजेस्ट पॉइंट टू दिस पॉइंट और ये P जो है वो इस सरफेस पर लाई कर रहा है। तो लेट पी एक्स वाई जेड बी ए पॉइंट ऑन द सरफेस z इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्लोजेस्ट टू द पॉइंट 420। मैं इसको पूरा डिस्क्राइब करके बता रहा हूं आपको, जब क्वेश्चन बनाना हो तो ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो आप शॉर्ट में बनाइएगा। अब देखिए ये P से यहां तक का डिस्टेंस निकालते हैं, सपोज करते हैं ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस जो है वो मिनिमम होना चाहिए। ऐसा पॉइंट हम लोग इस कर्व पर ढूंढेंगे ताकि ये जो डिस्टेंस हो मिनिमम हो, क्लोजेस्ट पॉइंट निकालना, तो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। सपोज करते हैं ये d डिस्टेंस है, तो d डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट अंडर डिस्टेंस निकालते हैं इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो x माइनस 4 टू द पावर 2 प्लस वाई माइनस 2 टू द पावर 2 प्लस जेड माइनस 0 टू द पावर 2। डिस्टेंस फॉर्मूला से ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं, आप इसको होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 और प्लस जेड स्क्वायर। अब जेड को हम लोग एक्स वाई में कन्वर्ट कर देंगे, ये जेड ये पॉइंट जो है वो इस कर्व पर है, इस सरफेस पर है, तो इस सरफेस के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहां सरफेस के इक्वेशन से ये क्या आएगा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो जेड स्क्वायर को हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y ऑफ 16 प्लस 4 20 और जेड स्क्वायर की जगह हम लोग लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
it is equal to root under x square 2x square, y square plus y square 2y square, minus 8x minus 4y plus 20. अब हम लोग को P पॉइंट ऐसा निकालना है, मतलब x y z पॉइंट ऐसा निकालना है ताकि ये मिनिमम हो। तो ये जब d मिनिमम होगा तो इसका स्क्वायर भी मिनिमम होगा, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो रूट अंडर हट जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 20। अब हम लोग x y ऐसा चूज करते हैं, x y ऐसा चूज करेंगे ताकि ये d स्क्वायर मिनिमम हो, तो ये क्लोजेस्ट पॉइंट हो जाएगा। तो इस फंक्शन को आप मान लीजिए एफ एक्स वाई, ये एक्स वाई का फंक्शन है, तो ये 4x प्लस 4y सॉरी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 20। अब ये एक्स वाई का फंक्शन हो गया, हम लोग इसका मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे कि कौन सा एक्स वाई पर इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, डेल एफ बाय डेल एक्स निकालते हैं, डेल एफ बाय डेल एक्स कितना होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं 4x, ये डबल वेरिएबल का दो वेरिएबल का फंक्शन है तो दो वेरिएबल के फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वाला रूल अप्लाई कर रहा हूं मैं, तो डेल एफ बाय डेल एक्स निकाल रहा हूं 4x माइनस 8 और डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग पार्शियली तो 4y माइनस 4। फिर r r डिनोट करते हैं डेल 2f डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर को, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए 4। s डिनोट करते हैं डेल 2f डिवाइडेड बाय डेल एक्स डेल वाई को, वाई के रिस्पेक्ट में जो किए उसको फिर से x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। और t डिनोट करते हैं डेल 2f डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर को, तो इसको y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो 4 आएगा। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम लोग पुट करेंगे डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल वाई इक्वल टू 0, तो ये कितना होगा आप देखिए यहां पर, इसको अगर हम लोग 0 पुट कर दें तो यहां से 4x माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड इसको डेल एफ बाय डेल वाई को 0 पुट कर रहे हैं इसको, तो 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, यहां से x का वैल्यू आ रहा है 2 और वहां से y का वैल्यू आ रहा है 1। अब हम लोग rt माइनस s स्क्वायर निकालते हैं, rt s जो है वो कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट नहीं रहता x y का फंक्शन होता तो इस पॉइंट पर हम लोग rst निकाल लेते हैं, इस पॉइंट पर भी निकालेंगे तो यही रहेगा rst का वैल्यू। तो r का वैल्यू है 4, t का वैल्यू है 4 और s का वैल्यू है 0, तो ये हो गया 16 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग r का साइन देखते हैं, r जो है वो कैसा साइन है, r का साइन जो है वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो इसीलिए इस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू मिलेगा, तो देयरफॉर d इज मिनिमम व्हेन x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो x और y निकल चुका है, हम लोग z निकाल लेते हैं, तो z इक्वल टू था रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मींस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो गया रूट अंडर 5। तो रिक्वायर्ड पॉइंट निकल गया p, p पॉइंट जो निकला इसका x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 1 है और z कोऑर्डिनेट रूट अंडर 5। इसी x y पर d जो है वो मिनिमम है, d मिनिमम है, यानी कि ये जो पॉइंट है p, इस कर्व पर कई एक पॉइंट हो सकता है, तो उसमें से जो p पॉइंट है वो नियरेस्ट पॉइंट है, क्लोजेस्ट पॉइंट है इससे। तो ये p पॉइंट हम लोग का निकल गया, अब हम लोग को निकालना क्या है, op निकालना है, तो अब हम लोग op निकाल लेते हैं। op कैसे निकालेंगे, हम लोग op डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा, o ओरिजिन हो गया, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 0 है और p का कोऑर्डिनेट हम लोग का निकल चुका है। अब हम लोग यहां से डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आ रहा है रूट अंडर 4 प्लस 1 प्लस 5 यानी कि रूट अंडर 10। अब इसका स्क्वायर निकालना था हम लोग को,
ये ओपी स्क्वायर निकालना था। अब क्वेश्चन में देखिएगा तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पी, तो इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, यानी कि ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 10, तो यही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं फिर दोबारा कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।